Today we'll start with the chapter Chemical Reactions and Equations. This is the first chapter of class 10th chemistry. अभी हम chemical equations समझने से पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि physical change और chemical change में क्या difference होता है. मतलब जब भी कोई चीज़ change होती है तो दो तरीके के changes होते हैं, या तो वो physical change होता है या chemical change होता है. तो physical change तब होता है जब किसी भी चीज़ के फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो. जैसे कि अगर वो चीज़ जो है वो सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, बट उसका इंटरनल कंपोजिशन अगर सेम है. जैसे वाटर, वाटर अगर बर्फ बन जाता है तो भी उसका फॉर्मूला H2O ही होता है, और अगर वो स्टीम बन जाता है तो भी उसका फॉर्मूला H2O ही होता है. तो इससे उसके इंटरनल कंपोजिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा. तो जब कोई टेम्परेचर चेंज होता है और मैटर का सॉलिड लिक्विड या गैस में चेंज होना जो होता है वो एक फिजिकल चेंज होता है. बट केमिकल चेंज तब होता है जैसे कि अगर कर्ड जमती है मिल्क से, मिल्क से कर्ड जम रही है, तो अब ये न्यू सब्सटेंस बन गया है और कर्ड इज नॉट मिल्क. कर्ड इज अ डिफरेंट थिंग, मिल्क इज अ डिफरेंट थिंग. तो जब भी केमिकल चेंज होता है तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जो कि टोटली डिफरेंट होता है ओरिजिनल सब्सटेंस से केमिकल कंपोजिशन पे. मतलब अगर हम मिल्क का फॉर्मूला देखेंगे, मिल्क एक्चुअली एक मिक्सचर है और कर्ड भी एक मिक्सचर है, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता. बट अगर हम इंटरनल कंपोजिशन पे भी देखेंगे तो मिल्क में कुछ डिफरेंट चीज़ें होती है, कर्ड में कुछ डिफरेंट चीज़ें होती है. या कोई चीज़ अगर जल जाती है तो ऐश बन जाती है, अगर वुड ऐश बन जाए तो भी वो केमिकल चेंज है, क्योंकि वो ऐश जो है वो वुड नहीं है. इट इज़ अ डिफरेंट थिंग नाउ. तो केमिकल चेंज में एक टोटली डिफरेंट थिंग बनती है और फिजिकल चेंज में वो चीज़ वही की वही रहती है, बट उसका थोड़ा सा फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाता है. तो अब हम एक बार इसका डिफरेंस जो है वो समराइज कर लेते हैं कि फिजिकल चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, जबकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है. फिजिकल चेंज में इंटरनल उसके एटम्स में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा. जैसे अभी हमने देखा कि H2O जो है वो H2O ही रहेगा, वो उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा. बट केमिकल चेंज में एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं. आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशंस. जैसे अगर आप कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट कार्बन, नाइदर इट इज ऑक्सीजन. इसका इंटरनल कंपोजिशन ही चेंज हो गया, एटॉमिक रीअरेंजमेंट हो गया है. देन फिजिकल चेंज यूजुअली रिवर्सिबल होता है, हमेशा नहीं. जैसे फिजिकल चेंज की मैं अगर बात करूं कि पानी जो है वो स्टीम बन रहा है और स्टीम को जब ठंडा करेंगे तो वो वापस पानी हो जाएगा. पानी से अगर आप बर्फ जमा रहे हो और बर्फ को आप मेल्ट करोगे तो वो वापस पानी बन जाएगा. तो ये फिजिकल चेंज हुआ. और केमिकल चेंज में हमने देखा कि मिल्क जो है वो कर्ड बन रहा है, कर्ड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मिल्क अगेन. बट देयर आर सम फिजिकल चेंज विच आर नॉट रिवर्सिबल एंड देयर आर स्टिल सम केमिकल चेंजेस विच आर रिवर्सिबल. तो अब हमको फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल से एसोसिएट नहीं करना है. मतलब सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंज आर जनरली इरिवर्सिबल. बट अभी हम केमिकल चेंज के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो केमिकल इक्वेशंस में हम देखेंगे कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो वापस रिवर्स हो जाते हैं. तो आपको ये यूजुअली वर्ड डालना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजुअली फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल, यूजुअली केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल. देन फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है टियरिंग ऑफ पेपर. अगर हम पेपर को फाड़ देते हैं तो एक एक टुकड़ा भी एक पेपर ही है, वो चेंज नहीं हुआ है. उसका फिजिकल फॉर्म चेंज हो गया है बट वो चेंज नहीं हुआ. अब अगर हम रिवर्सिबल की बात करें तो दिस मे नॉट बी रिवर्सिबल एज सच, बट हाँ थोड़ा सा रिसाइकलिंग करेंगे तो वो रिवर्सिबल हो जाएगा. बट अभी हमें जो दिख रहा है कि हम फटे हुए पेपर को वापस नहीं जोड़ सकते, तो ये एक इरिवर्सिबल है. और केमिकल चेंज का जो एग्जाम्पल है वो बर्निंग ऑफ पेपर. पेपर को अगर आप बर्न कर दोगे, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इन टू द पेपर एंड इट इज नाउ अ डिफरेंट थिंग. पेपर अगर बर्न हो जाता है तो वो पेपर रहा ही नहीं, वो कुछ और चीज में कन्वर्ट हो गया. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज.
जैसे अगर पेंसिल टूट गई है, स्टिल इट इज अ पेंसिल, सो इट इज अ फिजिकल चेंज. बटर को हमने अगर मेल्ट कर दिया है तो स्टिल इट इज अ बटर. मेन आपको पॉइंट ये याद रखना है कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है फिजिकल चेंज में, और केमिकल चेंज में टोटली न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. और मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज, वेर एज केमिकल चेंज इज बर्निंग ऑफ वुड. वुड हैज नाउ बिकम ऐश, राख बन गया है वो, तो एक डिफरेंट चीज हो गई है. अगर हमने केक बनाया है तो जो फ्लावर है और शुगर है ये कन्वर्ट हो गया है केक में. जब हम कोई भी फूड को कुक करते हैं तो कुकिंग इज अ केमिकल चेंज. एग को हमने ऑमलेट बना दिया है तो दिस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज इट हैज नाउ न्यू प्रॉपर्टीज. ऑल्सो एक और चीज है कि जो केमिकल चेंज में जब न्यू सब्सटेंस बनता है तो इसकी प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से डिफरेंट होती है. जैसे अगर हम वाटर को देखें तो वाटर में हाइड्रोजन एक फ्यूल है, ऑक्सीजन भी सपोर्ट करता है बर्निंग को, बट वाटर जो है वो आग बुझाता है. सो इट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग नाउ. जरूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है वो इसके ओरिजिनल सब्सटेंस से मैच करे, वो डिफरेंट हो जाती है. तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा हम एक केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं. फिजिकल जब चेंज होता है तब हम इक्वेशंस नहीं बना सकते, बट केमिकल रिएक्शंस जब भी होंगे तो हम केमिकल इक्वेशन बनाते हैं. इक्वेशन में इक्वल साइन आता है, ठीक है. जब हम इक्वेशन बनाते हैं जैसे अभी हमने देखा H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ये रिएक्टेंट्स कहलाता है. इस एरो के जो राइट साइड में जो लिखा हुआ है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. सो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, सी प्लस O2, कार्बन एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट. नाउ वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में कोई भी ओरिजिनल चीज बचता नहीं है और कोई नया एलिमेंट नहीं बनता है. कोई नया एलिमेंट नहीं बनता है इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हमने कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया था तो कार्बन डाइऑक्साइड बना था. ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है वो कार्बन और ऑक्सीजन से ही बना है. कोई नया एलिमेंट इसमें नहीं आ जाएगा अपने आप से कि हाइड्रोजन आ गया या नाइट्रोजन आ गया. ऐसे कोई नया एलिमेंट नहीं फॉर्म होता है. नया सब्सटेंस तो फॉर्म हुआ है, बट जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है ये ओरिजिनल एलिमेंट से ही बना हुआ है. तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के जो टाइप ऑफ एटम्स है वो सेम रहेंगे. मतलब इधर कार्बन और ऑक्सीजन है तो इधर भी कार्बन ऑक्सीजन ही रहेगा. अगर इधर सल्फर है रिएक्टेंट साइड में तो प्रोडक्ट साइड में भी सल्फर रहेगा. और इसका जो टोटल मास है रिएक्टेंट्स का वो प्रोडक्ट के जितना ही होगा. जैसे अगर आप मैंगो शेक बनाते हो, आपने 1 kg मैंगो लिया, 1/2 kg शुगर लिया, और सपोज आप 1 kg मिल्क लेते हो तो आपका 2.5 kg ही शेक बनेगा. आपने जितना रिएक्टेंट लिया है उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, कुछ डिफरेंट नहीं बनेगा. ये आपने 9th क्लास में पढ़ा है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है. और एक और चीज है कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो एनर्जी चेंज होता है. मतलब या तो एनर्जी रिलीज होती है एनवायरमेंट में या एब्जॉर्ब होती है. तो एनर्जी चेंज भी होता है जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं. तो एनवायरमेंट में या तो एनर्जी रिलीज करता है वो या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट आर डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स. ये हमने देखा है अभी वाटर के एग्जाम्पल से कि जो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट है और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही बर्निंग को सपोर्ट करते हैं जबकि पानी जो है वो फायर को ऑफ करता है. हम एक बार लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तभी अप्लाई होता है जब कोई भी केमिकल चेंज हो रहा होता है या कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है. तो आपने पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है एक लॉ जिसमें कि मास जितना आपने रिएक्टेंट्स का लिया है उतना ही प्रोडक्ट का होगा, और एटम्स भी रिएक्टेंट्स के जितने होंगे उतने ही प्रोडक्ट के होंगे. इसीलिए जो टोटल मास रिएक्टेंट का होता है वही टोटल मास प्रोडक्ट का भी होता है. अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि जितने भी एटम्स हैं एक फॉर्मूले में या एक कंपाउंड में सेम नंबर ही होंगे. जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम देखते हैं तो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, तो नंबर एंड टाइप जो होते हैं वो सेम होते हैं. जैसे ऐसा नहीं है कि
कहीं और कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो उसमें CO3 हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होता है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन ज्यादा है तो CO3 होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर रेशियो में ही कंबाइन होते हैं, और दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। दिस इज जस्ट अ रिविजन ऑफ वॉट यू हैव लर्न इन 9th क्लास। अब हम बेसिकली इस चैप्टर के जो मेन पार्ट में आते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है पूरे केमिकल रिएक्शन का, जिसमें कि हम सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म्स में वो केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। अभी हम और देखेंगे कि इस केमिकल इक्वेशन को हम और ज्यादा कैसे इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं। जैसे कि हम स्टेट लिख सकते हैं, हर एक एलिमेंट का स्टेट लिख सकते हैं, उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, कौन सा कैटलिस्ट यूज हुआ, ये सारी चीजें हम उसमें लिख सकते हैं। और ये बहुत जरूरी होता है, ये सारी चीजें लिखना आपके लिए ऑप्शनल नहीं है, अगर आपको पता है तो आपको लिखना ही चाहिए। अभी जैसे अगर मैं ये एग्जाम्पल लेती हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके अगर वाटर बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन इज अ गैस, तो आप यहाँ नीचे ब्रैकेट में ऐसे गैस लिखोगे, ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस एंड दिस इज लिक्विड, सो यू हैव टू राइट डाउन L। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक गैस है, और वाटर जो है ये जी लिखा हुआ है, मतलब ये स्टीम के फॉर्म में है। यहाँ पे 340 atm, 340 एटमोसफियर का प्रेशर है, ये प्रेशर कंडीशन है। प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन या कैटलिस्ट, ये तीनों चीजें एरो के ऊपर लिखी जाती है, टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब वो कंबाइन नहीं होता है इनसे, बट वो या तो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है या स्लो डाउन कर देता है, वो रिएक्शन के प्रोसेस की स्पीड को चेंज करता है। इट ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, या तो वो उसको बहुत फास्ट कर देगा या उसको बहुत फास्ट रिएक्शन को स्लो कर देगा। सो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन इट। मतलब ये उसकी तरह है जैसे दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो ये बीच में उनको मगअप कर रहा है कि और ज्यादा उनको झगड़ा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, बट इट सेल्फ इट इज नॉट, ही इज नॉट फाइटिंग। तो ये कैटलिस्ट उस पर्सन की तरह है जो किसी की फाइट को एग्रावेट कर देता है बट खुद फाइट नहीं करता। ये जो है, यहाँ पे देखो हमने कंडीशंस लिखी है, सनलाइट और क्लोरोफिल, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है, वाटर बनता है, बट ये जो है कैटलिस्ट की तरह है। सनलाइट जो है एक टेम्परेचर कंडीशन है, या जो भी कंडीशन उस रिएक्शन के लिए चाहिए होती है वो हम एरो के ऊपर लिखते हैं। और AQ मतलब होता है एक्वस फॉर्म में, जैसे सॉल्ट को हम सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं और पानी में घोल के भी ले सकते हैं। तो जब पानी में घोल के किसी चीज को ली जाती है तो हम उसको AQ कहते हैं, एक्वस फॉर्म। L इज फॉर लिक्विड, G इज फॉर गैस एंड S इज फॉर सॉलिड, दिस यू हैव टू रिमेम्बर। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जिस जो हम केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। जैसे अगर कोई चीज गैस बन रही है और वो उड़ के चली जा रही है तो हम उसमें अप एरो लिखते हैं, और अगर कोई प्रेसिपिटेट है और वो नीचे बैठ रहा है, रिएक्शन होने के बाद कोई इनसॉल्यूबल कंपाउंड बन रहा है, जो चीज उसमें घुल नहीं रही है और वो नीचे जाके बैठ जा रही है, जैसे अगर हम चॉक पाउडर घोलते हैं पानी में तो चॉक पाउडर थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाता है, हम उस जो नीचे बैठ जाती चीजें उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हो सकता है आपको ये सारी चीजें थोड़ा टफ लगे कि ये सोडियम कार्बोनेट कैसे है, बट आपने 9th में पढ़ा हुआ है ये सारी चीजें, है ना। तो ये हो गया NaCl, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऊपर जा रहा है तो हम इसको अप एरो से शो करेंगे। अब ये जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जो रिएक्शन है, इसमें लेड आयोडाइड बनता है और ये नीचे बैठ जाता है क्योंकि ये इनसॉल्यूबल होता है उस सॉल्यूशन में, तो हम इसको प्रेसिपिटेट को डाउन एरो से शो करते हैं। अगर वो केमिकल रिएक्शन जो है वो हीट इवॉल्व कर रहा है, मतलब हीट एनर्जी एनवायरनमेंट को दे रहा है, अभी हमने देखा था ना कि इसमें एनर्जी चेंज होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, या तो वो एनवायरनमेंट को हीट देता है या उससे हीट ले लेता है। जब भी वो हीट देगा तो या तो हम उसे
प्रोडक्ट साइड में प्लस करके लिखेंगे या फिर हम उसको रिएक्टेंट साइड में माइनस करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो हम उसे रिएक्टेंट साइड में प्लस लिखेंगे या फिर प्रोडक्ट साइड में माइनस लिखेंगे, ठीक है। वो हीट दे रहा है एनवायरनमेंट को तो ये वाला होगा एक्सोथर्मिक, जो हीट दे देता है एनवायरनमेंट को, और जो हीट खींच लेता है एनवायरनमेंट से तो हम उसको रिएक्टेंट की तरफ में हीट लिखेंगे, ठीक है। और जब भी कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब हम हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना सकते हैं और वाटर से वापस हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बना सकते हैं, तो उसमें हम ये सिंबल यूज करते हैं, एरो की जगह हम रिवर्सिबल का ये सिंबल यूज करते हैं। इससे पता चलता है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, ये लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है और राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है, हालांकि दोनों की कंडीशंस अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे अलग कैटलिस्ट यूज हो सकता है, अलग टेम्परेचर यूज हो सकता है, यहाँ पे अलग टेम्परेचर यूज हो सकता है, बट दिस इज अ साइन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन में देखा है कि जितने एटम्स रिएक्टेंट साइड में होते हैं उतने ही एटम्स शुड बी ऑन प्रोडक्ट साइड। तो एवरी टाइम व्हेन एवर यू राइट केमिकल इक्वेशन, मेक इट अ हैबिट टू बैलेंस इट। आप भले उसको बैलेंस करने बोला हो या नहीं बोला, आपको जब भी केमिकल रिएक्शन लिखना है इट शुड बी बैलेंस्ड। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये बैलेंस कैसे होगा।